तो हम बात कर रहे हैं पायथन पायथन कोर पायथन की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। हमने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था इफ कंडीशन, जिसमें एंड और का इस्तेमाल हमने किया था, किस तरह से एंड और किस तरह से और का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम बात करेंगे एल्स इफ एल्स के बारे में, जिसमें हम नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे कि एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, उसके अंदर चौथा इफ हम कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने वीएस कोड को ओपन किया है और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ नेस्टेड इफ के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे इंट के अंदर में हमने इनपुट दिया इनपुट, इसके अंदर में हमने यहाँ पे लिखा एंटर सेल्स क्वांटिटी क्यू टी वाई क्वांटिटी। अब यहां पे अगर एक्स अगर 50 टू 80 के बीच में हुआ तो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है कि अगर एक्स जो है वो 50 एंड 80 के बीच में हुआ तो हमें देना है कितना, 500 या 800, मान लीजिए मुझे 800 देना है। अगर लेस देन 50 हुआ, लेस देन 50 हुआ तो हमें देना है जस्ट 100, और ग्रेटर देन 50 80 हुआ तो हमें देना है 200। हमें क्या देना है, 200। तो यहां पे हम लगाते हैं अपना कंडीशन किसका, इफ का। इफ अब यहां पे एंड नहीं लगेगा क्योंकि एंड मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एंड तो लगाते हैं, लेकिन एंड तब लगता है जब हम एक से ज्यादा कंडीशंस पे सिंगल रिजल्ट होता है, बट यहां पे हर कंडीशन के लिए अलग अलग रिजल्ट। यहां देंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर अगेन इसी के नीचे एक और इफ देंगे कि इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 80। अगर ऐसा हुआ तो आर इक्वल टू 500 यहां पे देंगे एल्स, और एल्स में देंगे अगेन आर इक्वल टू 200, क्योंकि अगर इस एल्स में आ रहा है मतलब कि ग्रेटर देन 50 है, क्योंकि ग्रेटर देन 50 ना होता तो आता ही नहीं। उसके बाद मैं यहां पे एक और एल्स देंगे पहले वाले इफ के, ऐसा हुआ तो आर इक्वल टू 100। फिर यहां पे हम प्रिंट का कमांड देते हैं कि प्रिंट, प्रिंट में हम बोलते हैं आई एन सी इंसेंटिव इक्वल टू, और यहां पे दे देते हैं कॉमा आर। अब इसको रन करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी पूछ रहा है, मैंने क्वांटिटी पे 60 डाल के एंटर किया तो रिजल्ट 500। एक बार और रन करते हैं, इसमें रिजल्ट अगर मान लीजिए मैं देता हूं 45, एंटर कीजिए, देखिए 100 आया। अब इसको हम कॉपी करते हैं, नोट पैड में रख देते हैं ताकि मैं आप लोगों को भेज सकूंगा बाद क्लास के बाद में। अब नेस्टेड इफ को थोड़ा सा और
कॉपी पेस्ट और इसको मैं डिलीट करता हूं। अब हम बात करते हैं, यहां पे हम चार सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट वन इक्वल टू 50, सब्जेक्ट टू इक्वल टू 20, यहां सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री इक्वल टू यहां पे 30, सब्जेक्ट फोर इक्वल टू 60। कंडीशन ये है कि सारे सब्जेक्ट के अंदर ग्रेटर देन 30 है तो पास होगा, और किस किस में फेल है वो फेल यहां पे शो होना चाहिए, किस किस में फेल है वो फेल यहां शो करना चाहिए। तो यहां पे देंगे कंडीशंस इफ का, इफ S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो यहां पे हम देखे नीचे आते हैं। फिर एक और इफ लगाएंगे इसके अंदर कि S2 कैपिटल देना होगा, S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर एंटर मार के एक और इसके अंदर इफ लगेगा कि S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, सिंगल कोट लगाया, यहां पे एक और इफ दिया कि इफ S4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ऐसा हुआ तो आर इक्वल टू पास। और फिर यहां हमें एल्स देना है, क्या देना है एल्स, एल्स में यहां आर इक्वल टू क्या आएगा, सब्जेक्ट फोर फेल, क्योंकि यहां तक अगर पहुंचा पहले इसको चेक करेगा, अगर 30 से ऊपर हुआ तो दूसरे को फॉरवर्ड करेगा, इसमें 30 से ऊपर हुआ तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, इसको 30 से ऊपर हुआ तो चौथे को फॉरवर्ड करेगा, अगर इससे ऊपर 30 हुआ तो इसका मतलब है 30 नहीं हुआ, 30 हुआ तो पास, नहीं हुआ तो सब्जेक्ट फोर फेल शो करेगा। फिर यहां पे हम आएंगे दूसरे तीसरे इफ में, और यहां हम एल्स देते हैं, एल्स देने के बाद यहां लिखते हैं आर इक्वल टू सब्जेक्ट थ्री फेल। फिर यहां पे आते हैं एल्स, और यहां पे देते हैं सब्जेक्ट, यहां आर इक्वल टू सब्जेक्ट टू फेल, सब्जेक्ट टू फेल। और फिर यहां पे आते हैं एल्स, यहां पे आर इक्वल टू सब्जेक्ट वन फेल। अब इसके बाद हम रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं कि प्रिंट, प्रिंट के अंदर में द रिजल्ट इज, और यहां पे हम देते हैं आर। अभी देखिए यहां पे दिक्कत है, 20s2 में s2 फेल आया। S150 जिसमें कैपिटल स्मॉल का चक्कर तो नहीं है सर। यहाँ पे द रिजल्ट इज S2 फेल। अगर S2 को मैं आपसे 40 कर देता हूं तो यहां आप देखेंगे तो सब यहां पे द रिजल्ट इज पास, रिजल्ट इज क्या आया पास। तो यहां पे हम नेस्टेड इफ लगाएंगे, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, उसके अंदर चौथा इफ, उसके अंदर पांचवा इफ। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम इफ का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। तो हमने इफ में सीखा कि किस तरह से मोर देन वन कंडीशंस को हम एक इफ के अंदर दूसरे इफ, उसके अंदर तीसरे इफ, उसके अंदर चौथे इफ, उसके अंदर पांचवे इफ को हम कैसे डील करते हैं।
अब यहां पे आप बात आती है एल्स इफ की, किसकी, एल्स इफ। जैसे मुझे ग्रेड देना है सर, एम इक्वल टू, हमने मार्क्स यहां 50 कर दिया, अब मेरा जो ए है सॉरी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ लगा सकते, एल्स इफ लगाए। जैसे हम यहां पे करना चाहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम करना चाहते हैं, तो यहां पे हम देते हैं इफ अगर एम इज लेस देन इक्वल टू 40 देन आर इक्वल टू सी ग्रेड। अब इसी में यहीं पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एल एल, वीवीएम एल्स इफ होता है, यहां पे एलिफ होता है एलिफ, और यहां पे कंडीशन देंगे कि एम इज लेस देन इक्वल टू 80 देन आर इक्वल टू बी ग्रे, और फिर यहां पे देते हैं एलिफ एम इज ग्रेटर देन 80 देन आर इक्वल टू ए ग्रे, और फिर एल्स दे दीजिए यहां पे, एल्स देखिए अगर कुछ सब ना हो तो आर इक्वल टू फेल। अब यहीं पे हम कर देते हैं प्रिंट, एक प्रिंट प्रिंट में यहां दे देते हैं द ग्रेड इज, और यहां पे कॉमा हम देते हैं आर। यहां देखिए ये आपका जो है बी ग्रेड आएगा, कि रिजल्ट इज बी, द ग्रेड इज बी, इस तरह लगाएंगे। तो इसको कीजिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम एल्स इफ के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।